हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम तक स्टूडेंट इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम ओम के नियम की सहायता से हम वोल्टेज का मान किस तरह से निकाल पाएंगे ठीक है हमारे पास यदि एग्जाम में हमारे पास प्रतिरोध यानी कि रजिस्टेंस और करंट ठीक है रजिस्टेंस और करंट दोनों का मान दिया हुआ है यदि हमसे बोलता है कि आप इसमें से वोल्टेज के वैल्यू को फाइंड करें तो हम उसे किस तरह से फाइंड कर पाएंगे चलिए इस क्वेश्चन में हम देखते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हम आपको एक उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करेंगे पूरा कि एक बल्ब है ठीक है एक बल्ब जिसका प्रतिरोध प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस इसकी रसिस्टांस कितनी पचास ओम ठीक है एक बल्ब है जिसका प्रतिरोध पचास ओम है और वह फोर पॉइंट सिक्स एम धारा लेता है वह करेंट कितना लेता है वह करेंट लेता है फोर पॉइंट सिक्स ठीक है तो सर्किट में से लगाया गया वोल्टेज का मान कितना होगा ठीक है तो सर्किट में से कितनी वोल्टेज जाएगी चलिए इसका आंसर हम देखें देखेंगे देखिए सबसे पहले तो आपको एग्जाम में लिखना किस तरह से है आपको लिखना है कि इस क्यूचन में दिया गया है आपको लिखना है गिपेन डाटा सबसे पहले आपको इसका वैल्यू लिखना है प्रतिरोध हमारे पास आर का वैल्यू पचास ओम है और धारा आई का वैल्यू चार पॉइंट सिक्स है अब हम जानते हैं कि ओम के नियम से हमारे पास जो ओम का नियम है ओम के नियम में हमारे पास वोल्टेज की फॉर्मूला होती है करेंट इंटू रेसिस्टांस यानी कि विद्युत धारा और प्रतिरोध को जब आपस में हम मल्टीपल करते हैं तो उसका वैल्यू हमें वोल्टेज निकाल के देता है ठीक है तो चलिए यहाँ से हम इसको सोल्व करते हैं हम चलेंगे भी इक्वल टू आई का वैल्यू हमारे पास कितना है आई का वैल्यू है हमारे पास चार पॉइंट सिक्स और आर का वैल्यू कितना है आर का वैल्यू है पचास अब सिंपल स्टूडेंट करना क्या है अब ये दोनों को आपस में यहाँ से मल्टीपल कर देना है तो हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी जब हम पचास से चार पॉइंट सिक्स में मल्टीपल करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगी दो सौ तीस ठीक है हमें यहाँ से भी वोल्टेज की वैल्यू कितनी मिल जाएगी दो सौ तीस और वोल्टेज की ऐसा मतलब क्या होती है बोल्ड तो आपको यहाँ से लिख देनी है बोल्ड ठीक है तो इस तरह से आप यहाँ से भी की वैल्यू निकाल सकते हैं यानी कि जब आपके पास प्रतिरोध का मान दिया हुआ है धारा का मान दिया हुआ है तो आप वोल्टेज की मान आसानी से निकाल सकते हैं क्लियर है स्टूडेंट